नमस्कार आबेलिर खबर स्टुडिओत प्रणस्मिता गोस्वामी एटा बिदंग बातरी आंचलिक दल एटा हब लागिब दहर परा पंधरटा राजनैतिक दल हले नहब एटा दल एटा प्रतीक आरु एकेखन पताकार तलत सकलोके ऐक्यबद्ध होवार आह्वान जनाले कृषक नेता अखिल गगोये राज्यत आंचलिक राजनीति सन्दर्भत आजि मन्तव्य करिछे कृषक नेतागराकीये आको भाग भाग हले अहमिया जाति मरि जाब अहमिकात भुगिये जातिक ध्वंस नकरिब आपोषविहीन आरु शक्तिशाली हब लागिब अन्यथा हिंदू मुस्लिम राजनीति त्रिशर पर पंचाश बस चलो आसुर नेतृत्व गठन हबलगिया राजनैतिक दलक आदरणी जानसे कृषक नेतागे नागरिकत संशोधनी आईन विरोधी आंदोलन अब्याहत रखार आहान आन राज्य सरकार दिया 830 टकिया आँचनी 10,000 टकार दाबी जानसे अखिल ग मैं राइजक कटाम मैं टेस्टर कारण लई गई मैं राइजक कानू एबार आको भाग भाग हम कि मरी गलो आंचलिक दल दस पंदर हम नहब एट आंचलिक दल ऐक्यबद्ध शक्तिशाली और सकुके सामरी ला और आपोषविहीन आंचलिक दल हम लगे कर्म नहब और दल प्रतीक और एन पता तार तलत आंचलिक दल हम लगे भाग भाग हम नहब और आसन भाग बतरा बाचि जा नहब समय कि मैं भाई ऐक्यबद्ध जो नहोम जी मरी गलो आत्मघाती जाते नह आत्मश्लाघात जो कू नुभुग कहमिकात भुगि जाति ध्वस नक सको एकल हम लगे एन पता दल और प्रतीक नहले किन्तु कोनो पद्धति नबासे और नहले हिंदू मुसलमान और राजनीति अहा 30र पर 50 बसर चलिबो तेतिया हले किन्तु अहोमे जाति बर्बाद हो जाबो आपुनी द्वितीय कथातु होल जे मय आसु कृषक मुक्ति एजेवाईसीपी सकलो जनजातीय जनगोष्ठीय संगठन सकलो आंचलिक दल और अन्यान्य जातीय संगठनक मय एकलग हबर कारणे आह्वान जनाइछो नहले किन्तु जाति शेष और जदि एकलग हय नहय अहोम राजनीति धुमुहा हबो बिजेपी और आरएसएस और लगते कांग्रेस और एआईडी फुरी गुछि जाबो मैं बारम्बार कृषक मुक्ति कौ अक दल घोषणा कर आसुको कौ एजेवाईसीपी को कौलो यार कि निचिन भाग भाग हो नहब कार्ड हारिल कि अक बेलेग बेलेग हो मैंने सकुके स्पष्ट कर दूसरा मैं इलेक्शन कथ बद दूसरा कौ दी कथ क्षतिपूरण निदे लकडाउन तैयार जाति शेष 830 टकाय नब चाह 10,000 के टका सको पर दु लगे ना और का आंदोलन तो चलते लगे का आंदोलन और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति वीडियो कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति सहित वार्तालाप प्रधानमंत्री शिक्षक समाजे आदरी लैसे नतुन शिक्षा नीति राज्यपाल सहित मोदी वार्तालाप राज्य समूह शिक्षा मंत्री अंशग्रहण यह बैठक पुनर्बार जानसो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वीडियो कॉन्फ्रेंस और इतिम्य राष्ट्रपति सहित वार्तालाप कर वीडियो कॉन्फ्रेंसर जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिक्षक समाजे नतुन शिक्षा नीति आदरी लोर कथा व्यक्त कर राज्यपाल सहित मोदी वार्तालाप और राज्य समूह शिक्षा मंत्री अंशग्रहण यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे
अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व यह काम शुरू हुआ था। देश के लाखों लाख लोगों ने, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था।